सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर से हम कंट्रोल सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। लास्ट एग्जाम में महाट्रांसको के 2017 पेपर में कंट्रोल सिस्टम का एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसको एग्जाम के जो पेपर हम लोगों ने देखे थे उसमें बहुत सारे कंट्रोल सिस्टम के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, लेकिन महाट्रांसको के तरफ से कोई भी प्रॉपर सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग कोई भी टॉपिक है वो स्किप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन दिया है, द सिस्टम केवी इज गिवन बाय, एपी ट्रांसको का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें वेलोसिटी कांस्टेंट है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तीन टाइप के कांस्टेंट होते हैं, केपी, केवी एंड केए, करेक्ट। एक तीनों तीनों अलग अलग इनपुट सिस्टम के लिए होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को केवी है वो फाइंड आउट करना है। तो केवी हम लोग ओपन लूप सिस्टम के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो केवी का वैल्यू क्या होता है, लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस टाइम्स ऑफ द जी ऑफ एस, करेक्ट। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम लोग जी ऑफ एस यानी कि जो ओपन लूप है, ओपन लूप सिस्टम, तो ये ओपन लूप के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया है, ओके, यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो सबसे पहले हमें ये क्लोज लूप से ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि जी ऑफ एस का जो वैल्यू है वो। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है वाई ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, यानी कि क्लोज लूप का क्या होता है हमें पता ही है, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। हम लोग एकदम आराम से जाएंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। जिन लोगों को पता है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो दिया है वो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे ओमेगा एन स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है इट इज़ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम, तो यहाँ पे एच ऑफ एस का वैल्यू है वो वन हो जाएगा क्योंकि यूनिटी दिया है, करेक्ट। तो एच ऑफ एस का वैल्यू है वो हम लोग वन है वो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलेगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी ऑफ एस, और ये यहाँ पे राइट साइड में हमें ये मिलेगा जो एज इट इज है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ताकि सारी हमें जी ऑफ एस का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो ये जो ओमेगा एन स्क्वायर जी एस का जो वैल्यू है हम लोग एक साइड पे लेंगे, जी एस जी एस जो है वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा जी ऑफ एस इंटू द ब्रैकेट एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और ये प्रोडक्ट होने के बाद यहाँ पे माइनस ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी एस हम लोगों ने कॉमन लिया है। राइट साइड पर सिर्फ बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर, सिर्फ हम लोगों ने ये जो फैक्टर है वो ओपन करके राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, ओके। तो ये इसमें से ओमेगा एन स्क्वायर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा जी ऑफ एस का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू द ब्रैकेट एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, ओके। जो एस है वो मैंने यहाँ पे सिर्फ कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया यहाँ पे जी एस का वैल्यू। तो अभी हम लोगों को के वी का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, के वी का वैल्यू यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी, लिमिट्स एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू, अभी सिर्फ ये जी एस का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस टू द ब्रैकेट एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन, ओके। इसमें से ये जो एस है और एस है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर हम लोगों ने यहाँ पे एस का वैल्यू सब्सिट्यूट किया एस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एस का वैल्यू वो जीरो सब्सिट्यूट किया तो नीचे बचेगा टू जीटा ओमेगा एन, इसमें से ओमेगा एन और ये जो ऊपर ऊपर वाला ओमेगा एन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए फाइनल के वी का आंसर हमें मिलेगा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय टू जीटा, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर हम लोगों को मिल गया यहाँ पे। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है, और हम लोग जो के वी फाइंड आउट करते हैं वो ओपन लूप सिस्टम के लिए फाइंड आउट करते हैं, ओके। यहाँ पे हम लोग ओपन सिस्टम के लिए फाइंड आउट करें, यहाँ पे क्लोज लूप सिस्टम के लिए हम लोग फाइंड आउट नहीं करते, तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे के वी यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे उन्होंने पूछा था, लेकिन अगर के ए और के पी यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट और प्रोपोगेशन कांस्टेंट का अगर वैल्यू आपको पूछा तो उसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक जगह पे यानी कि के पी के जगह पे यहाँ पे एस वैल्यू नहीं होता है, और अगर के ए पूछा तो वहाँ पे एस के जगह पे एस स्क्वायर होता है, ओके। यहाँ पे तो ये वाला जो फैक्टर है वो सिर्फ चेंज होता है, बाकी एस टेंस टू जीरो ही हम लोग हर जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है इन्होंने फॉर के इज इक्वल टू जीरो द क्लोज लूप पोल्स आर, ओके। तो ये आपको देखना है कि गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इन्होंने दिया है और हम लोगों को फाइंड आउट करना है क्लोज लूप पोल्स, ओके। तो सबसे पहले क्लोज लूप हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इससे फॉर्मूला सेम रहेगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय वन प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ओके। यहाँ पे दिया है यूनिटी फीडबैक है, यानी कि वापस एच एस का वैल्यू जो रहेगा वो यहाँ पे वन रहेगा,
तो जी एस का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे, ठीक है, कि ये जी एस का वैल्यू हो गया डिनोमिनेटर में 1 प्लस, अगेन हमें जी एस का वैल्यू है वो सब्सिट्यूट करना है। ओके, तो ये हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऐसे मिलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस है वो कॉमन करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा वैल्यू यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो बेस है ये दोनों तरफ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कैंसिल आउट करके यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखा है। तो ये अभी हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हमें मिल गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर के का वैल्यू हम लोगों ने 0 सब्सिट्यूट किया तो हमें क्लोज लूप पोल्स है वो हमें कितने मिलेंगे, यानी कि उसका रिलेशन क्या रहेगा, यानी कि ऑल रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेंगे या फिर रियल एंड रिपीटेड रहेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे। तो ये फैशन में इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो ये होता है जो न्यूमरेटर होता है इसे हम लोग 0 कहते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो पोल्स होते हैं, करेक्ट। तो हम लोग को यहाँ पे पोल्स का वैल्यू वो फाइंड आउट करना है। अगर हम लोगों ने के का वैल्यू यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो पोल्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सिर्फ इतना वाला जो फैक्टर है यही हमें पोल्स है वो देंगे। तो पोल्स हमारे पास रहेंगे एस इज इक्वल टू 0, ये हमें पोल मिलेगा। उसके बाद एस इज इक्वल टू -3.3 पे दूसरा पोल मिलेगा, और जो थर्ड पोल मिलेगा वो रहेगा एस इज इक्वल टू -4.4। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमें 3 पोल्स यहाँ पे मिले हैं, तीनों रियल है, कोई भी इमेजिनरी है, और तीनों के तीनों अलग अलग वैल्यूज, ओके, रिपीटेड वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल द पोल्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब हर एक का वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट है, ओके, कोई भी रिपीटेड नहीं है। तो ये भी एपी ट्रांसको का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट इम्पल्स इनपुट टू अ लीनियर नेटवर्क हैज अ रिस्पॉन्स आर ऑफ टी एंड अ यूनिट स्टेप इनपुट टू द सेम नेटवर्क हैज अ रिस्पॉन्स एस ऑफ टी। द रिस्पॉन्स आर ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ एस ऑफ टी हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग को पता है कि अगर इम्पल्स इम्पल्स सिग्नल है उसे हम लोगों ने अगर इंटीग्रेट किया तो हम लोगों को मिलता है स्टेप सिग्नल, करेक्ट। अगर स्टेप सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा रैंप सिग्नल, और अगर रैंप सिग्नल को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा पैराबोलिक सिग्नल, करेक्ट, ऐसा होता है। और अगर इनवर्स फैशन में अगर हम लोग जाएंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो हम लोग को पैराबोलिक को डिफरेंशिएशन करने से हमें रैंप सिग्नल मिलेगा, रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट करने से हमें स्टेप सिग्नल मिलेगा, और स्टेप को अगर हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया तो हमें इम्पल्स सिग्नल है वो मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इससे समझ लेंगे क्या होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स इनपुट इन दोनों के बीच में पूछा है क्या रिलेशन होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेप सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल इज अ इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल, करेक्ट। स्टेप होता है, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ द इम्पल्स। तो स्टेप सिग्नल की इन्होंने क्या लिखा है, एस ऑफ टी लिखा है, ये होगा एस ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स, यानी कि क्या लिखा है इम्पल्स के लिए आर ऑफ टी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आर ऑफ टी। हम लोगों को अभी आर ऑफ टी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एस ऑफ टी, ओके। तो अगर हम लोगों ने दोनों जगह पे डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी बाई डी टी इन टू द ब्रैकेट एस ऑफ टी, और यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे हमें मिलेगा आर ऑफ टी, ठीक है। तो आर ऑफ टी हमें एस ऑफ टी के टर्म्स में चाहिए था, तो रिस्पॉन्स आर ऑफ टी इज इक्वल टू डी डिफरेंशिएशन ऑफ एस ऑफ टी, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम शोज अ 0 स्टेट एरर फॉर स्टेप इनपुट, फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट, एंड इन्फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट, देन द सिस्टम इज ऑफ, ओके। तो ये एक चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, 0 स्टेडी स्टेट एरर, ओके। तो ये जो चार्ट है वो स्टेडी स्टेट एरर के लिए है, ओके, आपको पता होना चाहिए ये किसके लिए चार्ट है वो। तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये स्टेडी स्टेट एरर का चार्ट है। यहाँ पे इन्होंने 3 सिग्नल दिए हैं, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट एंड पैराबोलिक इनपुट, और 3 टाइप के, टाइप 0, टाइप 1 एंड टाइप 2। आप सभी लोगों को ये टेबल है वो पता होगा ही, सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेना अगर भूल गए होंगे तो। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर स्टेप इनपुट दिया तो 0 मिलता है। तो देखो स्टेप इनपुट पे 0 है वो हमें सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 के लिए मिलता है, तो यहाँ पे टाइप 0 वाला ऑप्शन तो नहीं रहेगा। उसके बाद इन्होंने दिया फाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर फॉर रैंप इनपुट, रैंप इनपुट के लिए यहाँ पे फाइनाइट है, ओके। यहाँ पे टाइप 2 के लिए 0 है, टाइप 1 के लिए फाइनाइट है, ओके। तो ये जो ऑप्शन है टाइप 1 वाला ये करेक्ट है, टाइप 2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और थर्ड केस भी देख लेते हैं, एंड इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट, तो करेक्ट है, पैराबोलिक इनपुट के लिए यहाँ पे हमें इन्फिनिटी स्टेडी स्टेट एरर मिलता है। तो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे टाइप 1 सिस्टम, ओके। टाइप 1 सिस्टम मतलब क्या होता है, टाइप 1 सिस्टम मतलब कोई भी ये ट्रांसफर फंक्शन इसका कैसा रहेगा, एस इंटू द ब्रैकेट समथिंग एस प्लस ए रहेगा। तो टाइप 1 सिस्टम मतलब ओरिजिन पे हमें एक जो पोल है वो मिलता है, ओके। यहाँ पे हमें जो पोल्स मिलेंगे वो क्या रहेंगे, यहाँ पे पोल्स रहेंगे एस इज इक्वल टू 0 एंड एस इज इक्वल टू -a, करेक्ट। यहाँ पे हमें 2 पोल्स मिलेंगे, लेकिन उसमें से अगर जो एक पोल है वो कंपलसरी ओरिजिन पे रहेगा,
टाइप टू सिस्टम मतलब ओरिजिन पे हमें दो पोल्स है वो मिलते हैं, और अगर टाइप जीरो सिस्टम है मतलब ओरिजिन पे कोई भी पोल्स नहीं है, अदर देन ओरिजिन पे वो पोल्स है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो ये होता है मीनिंग टाइप वन सिस्टम का। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ड्रॉइंग द रूट लोकस द क्लोज लूप पोल्स करस्पॉन्डिंग टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ गेन के कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। रूट लोकस में हम लोग क्या यूज करते हैं, दो क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया और एंगल क्राइटेरिया। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि गेन फाइंड आउट करने के लिए, गेन के का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा क्राइटेरिया का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या होता है यूज ऑफ द एंगल क्राइटेरिया इन रूट लोकस। तो उसका यूज क्या होता है, द कॉमन यूज ऑफ द एंगल कंडीशन इन रूट लोकस इज टू टेस्ट एनी पॉइंट इन द एस प्लेन, मतलब वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आप लोगों को रूट लोकस दिया है लेकिन हमें पता नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा है वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो वो हमें फाइंड आउट करने के लिए हम एंगल कंडीशन का सहारा लेते हैं। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि जो गिवन पॉइंट है वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, वो रूट लोकस में आएगा कि नहीं। उसके बाद मैग्नीट्यूड कंडीशन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ के कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नीट्यूड कंडीशन इफ द पॉइंट इज नोन टू बी ऑन द रूट लोकस वेरीफाइड बाय द एंगल कंडीशन। तो अगर हम लोगों को पॉइंट दिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया यहाँ पे, हमें कहा कि ये रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एंगल कंडीशन का हेल्प लेंगे, और एक बार हम लोगों को सेटिस्फाई हो गया एंगल कंडीशन से कि हाँ ये जो पॉइंट है वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है, तब हम लोग मैग्नीट्यूड कंडीशन पे जाएंगे और जो के वाला वैल्यू होता है यानी कि जो गेन होता है वो हम लोग इससे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि क्लोज लूप पोल्स करस्पॉन्डिंग टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ गेन के कैन बी डिटरमाइन। तो गेन के फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड क्राइटेरिया अलोन ही सेटिस्फाइड है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एंगल कंडीशन से हम सिर्फ वो रूट लोकस पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो मैग्नीट्यूड कंडीशन से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पॉइंट का जो गेन है वो कितना रहेगा, यानी कि के का वैल्यू हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन बाय जी ऑफ एस, यहाँ पे दिया है द अलाउबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के फॉर द क्लोज लूप सिस्टम इज रिमेन स्टेबल इज। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के हम लोगों को फाइंड आउट करना है जहां तक सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम है वो स्टेबल रहेगी। ओके, यहाँ पे दिया है ओपन लूप सिस्टम, तो सबसे पहले हम लोग क्लोज लूप सिस्टम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो यहाँ पे मैं एच ऑफ एस का वैल्यू डायरेक्टली यूनिटी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कंसिडर नहीं करूंगा। यहाँ पे ये हो जाएगा एस डिवाइडेड बाय एस प्लस 3 इन ब्रैकेट एस प्लस 7, ये होगा जी ऑफ एस का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के इन टू द ब्रैकेट एस प्लस 13 डिवाइडेड बाय एस इन टू द ब्रैकेट एस प्लस 3 एस प्लस 7। ओके, यहाँ पे ये स्टेप शायद आपको बहुत लेंदी लगेगा, लेकिन जिन लोगों को पता है शॉर्टकट फॉर्मूला वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा हमें एस प्लस 13 डिवाइडेड बाय एस इंटू द ब्रैकेट एस प्लस 3 टू एस प्लस 7 प्लस के इंटू द ब्रैकेट एस प्लस 13। ओके, ये होगा हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम लोग और अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कुछ ऐसे मिलेगा यहाँ पे एस क्यू प्लस 10s प्लस 10s² प्लस 21s प्लस ks प्लस 13k। ओके, यहाँ पे हम लोग को आगे कितना मिलेगा के ब्रैकेट एस प्लस 13 डिवाइडेड बाय एस क्यू प्लस 10s² प्लस 21 प्लस ks प्लस 13k। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k पूछा है कि k का वैल्यू हम लोग यानी कि गेन का वैल्यू हम लोग कितना इंक्रीज कर सकते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके। अगर उससे अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगी, यानी हमें मार्जिनली स्टेबल का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की के मार्जिनल का वैल्यू। तो इसलिए हम लोग राउत हर्विट्स क्राइटेरिया का हेल्प लेंगे। यहाँ पे टेबल में हम लोग लिख लेंगे एस क्यूब एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एंड एस टू द पावर 0। यहाँ पे हो जाएगा 1, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 21 प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा 13k। ओके, तो यहाँ पे एस टू द पावर 1 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 10 टू 21 प्लस के माइनस 13k डिवाइडेड बाय 10, और एस टू द पावर 0 में हमें मिलेगा यहाँ पे 13k। ओके, तो अगर हम लोगों को मार्जिनल स्टेबल चाहिए तो इसलिए हम लोग ये जो फॉर्मूला इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे सॉल्व करने के बाद 210 प्लस 10k माइनस 13k इज इक्वल टू 0। ये जो 10 है वो यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमें जो के का वैल्यू है वो डायरेक्टली मार्जिनल का वैल्यू मिला, क्योंकि इक्वल टू हम लोगों ने जीरो कर दिया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 210 माइनस 3k इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 3k इज इक्वल टू 210। तो हमें जो k मैक्सिमम या फिर k मार्जिनल का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 70। ठीक है, तो अगर इससे ज़्यादा अगर हम लोगों ने गेन इंक्रीज कर दिया तो जो हमारा सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा क्लोज लूप में, और अगर इससे कम रखा तो सिस्टम है वो हमारा स्टेबल ही रहेगा। तो मैक्सिमम हम लोग 70 तक उसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन लूप सिस्टम इज कन्वर्टेड इन टू द क्लोज लूप सिस्टम यूजिंग निगेटिव फीडबैक। द फीडबैक पाथ हैज अ यूनिटी गेन एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम। द क्लोज लूप सिस्टम हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, ओपन लूप सिस्टम को हम लोगों ने क्लोज लूप सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पे जो फीडबैक पाथ है वो यूनिटी गेन है। ठीक है, तभी हमें जो क्लोज लूप सिस्टम मिलेगा उसमें फॉलोइंग फंक्शनलिटी में कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ओके, तो अगर हम लोगों ने निगेटिव फीडबैक दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव फीडबैक दिया है, तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है, निगेटिव फीडबैक अगर हम लोगों ने दिया सिस्टम में क्लोज लूप सिस्टम में, तो उसके वजह से जो गेन है उसका वैल्यू है वो कम होता है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन वन है गेन इज इंक्रीज, तो ये ऑप्शन है वो चला जाएगा। जो गेन और बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेन और जो बैंडविड्थ का जो प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अगर गेन का वैल्यू कम हुआ तो बैंडविड्थ का वैल्यू है वो इंक्रीज होगा। ओके, अगर गेन का वैल्यू कम हुआ तो बैंडविड्थ का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन टू में दिया बैंडविड्थ इज रिड्यूस, नहीं, गेन अगर कम हुआ निगेटिव फीडबैक में तो बैंडविड्थ का वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, तो ये ऑप्शन भी चला जाएगा। ऑप्शन सी है इफेक्ट ऑफ द पैरामीटर वेरिएशन इज रिड्यूस, करेक्ट, क्योंकि क्या होता है क्लोज लूप सिस्टम में हम लोग एक फीडबैक पाथ है वो वापस से इनपुट के साइड पे हम लोग देते हैं, इसके वजह से अगर कुछ भी इनपुट में वेरिएशन हुआ फिर भी फीडबैक पाथ के वजह से जो सिस्टम है वो ज़्यादा स्टेबली काम करते हैं। कोई भी इनपुट में वेरिएशन होने के वजह से जो आउटपुट होता है वो ईजिली डिस्टर्ब नहीं होता है, तो इसलिए सिस्टम का जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि इफेक्ट ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इज रिड्यूस, करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने फीडबैक प्रोवाइड किया है। एंड लास्ट में डिस्टर्बेंस रिजेक्शन कैपेबिलिटी इज रिड्यूस, डिस्टर्बेंस रिजेक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाती है, जैसे मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि वो अगर वेरिएशन भी हुआ कहीं पे भी अगर डिस्टर्बेंसेस हुआ तो उस पर वो इजीली इफेक्ट नहीं होता है, वो स्टेबल परफॉर्मेंस देता है हमें। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है ये भी यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, तो इसलिए इफेक्ट पैरामीटर ऑफ वेरिएशन इज रिड्यूस ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, ये पी ट्रांसफो का क्वेश्चन था, ईयर 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज द फॉलोइंग यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स यू ऑफ टी। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, सबसे पहले देखो क्या पूछ क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज द फॉलोइंग रिस्पॉन्स, मतलब ये क्लोज लूप सिस्टम का यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स दिया है और हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है टाइम डोमेन में उसको हम लोगों ने लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। तो सी एफ एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, सी ऑफ इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी। ओके, मैं सबसे पहले राइट साइड में लिख लेता हूँ क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस ए टी होता है 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस ए। ओके, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस टू द पावर एन प्लस 1। तो यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्या आएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी होगा 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म टी को हम लोगों ने ई टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिलेगा, माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, सबसे पहले टी का वैल्यू आएगा एस स्क्वायर, ये होगा एस स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे ई टू द पावर माइनस टी से मल्टीप्लाई किया है, तो इसके वजह से एस स्क्वायर के जगह पे हम लोग एस प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर माइनस टी, यानी कि सेम बनेगा यहाँ पे एस प्लस 1। ओके, तो हम लोग बेस है वो कॉमन कर लेंगे यहाँ पे, तो माइनस 1 प्लस 2 इंटू द ब्रैकेट एस प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा एस प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा c ऑफ s का वैल्यू कितना होगा, c ऑफ s इज इक्वल टू 2s प्लस 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले c ऑफ s का जो वैल्यू है वो मिल गया। तो c ऑफ s क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है। ओके, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा c ऑफ s, यानी कि आउटपुट रिस्पॉन्स है। जो इनपुट होता है वो होता है आर ऑफ एस, और जो बीच में जो होता है वो होता है सिस्टम, करेक्ट। तो जो ट्रांसफर फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सी ऑफ एस प्रेजेंट है, तो हम लोगों को आर ऑफ एस का वैल्यू है वो यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके,
तो यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए क्या होता है, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स, डेल ऑफ टी कितना होता है, ये होता है 1। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस करेंगे, तो हमें जो सेम वैल्यू है वो मिल जाएगा, यानी कि 2s + 1 डिवाइडेड बाय s + 1 द होल स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट इम्पल्स दिया है तो इसलिए हमें जो वैल्यू है सी ऑफ एस अपन आर ऑफ एस ये सेम वैल्यू मिलेगा। ओके, तो ये हो जाएगा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम लोग जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे मैं एक बार और एक बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा सी एल टी एफ इज इक्वल टू 2s + 1 डिवाइडेड बाय s + 1 होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 + g(s) इज इक्वल टू 2s + 1 डिवाइडेड बाय s + 1 होल्स। तो यहाँ पे हम लोग जी ऑफ एस का वैल्यू, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जी ऑफ एस हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 2s + 1 डिवाइडेड बाय s² + 2s + 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा -2s - 1। तो यहाँ पे ब्रैकेट शिफ्ट करते वक्त आपको कंप्लीट ब्रैकेट है वो शिफ्ट करना था, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन के वजह से पूरे ब्रैकेट में जो टर्म्स है वो सब माइनस हो जाएंगे। ओके, अगर आपने सिर्फ यहाँ पे माइनस कंसीडर किया तो -2s हो जाएगा और बाद में +1 लिखेंगे तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2s है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें फाइनल जी ऑफ एस का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हमें 2s + 1 डिवाइडेड बाई s². क्वेश्चन आपको दिखने में यहाँ पे लेंदी लगेगा, लेकिन अगर आप सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बेसिक फंक्शनलिटी सेम ही होगी कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है और उसे ओपन लूप इतना कुछ है नहीं, क्लोज लूप एक बार मिल गया तो उससे आपको ओपन लूप यानी कि जी ऑफ एस का वैल्यू हो फाइंड आउट करना है। सिर्फ आपको जो सारे लैपलास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूले होते हैं वो बाय हार्ट होने चाहिए और जो कुछ ट्रिक होते हैं यानी कि शॉर्टकट ट्रिक कैसे हम लोग जो सी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन या फिर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है ये सिर्फ आपको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। कि बाकी कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है कंट्रोल सिस्टम में, बहुत ही आसान से टॉपिक है। आप देखोगे इतना कंसेप्चुअल इतना कुछ नहीं है, अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता हो गए और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके लाप्लास डोमेन क्या होते हैं ये अगर आपको पता होंगे तो फाइनली आप आंसर तक पहुंच सकते हो बहुत ही जल्द। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द सिस्टम शोन इन द ब्लॉक डायग्राम द ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू, बहुत ही आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो इनर लूप है ये सॉल्व करना होगा और इनर लूप सॉल्व करने के बाद हम लोग जो आउटर लूप है वो सॉल्व करेंगे तो आसानी से यहाँ पे आंसर है वो मिल जाएगा। या फिर आप इसको अगर मेसन गेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो लूप है वो डिफरेंट करेंगे, यहाँ पे कॉमन लिया है इन्होंने तो अगर आपको चाहिए तो हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको दो अलग अलग जो लूप है वो दिखाई देंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि ऐसे कॉमन लूप लेने की वजह से, जो कॉमन फीडबैक लेने की वजह से उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अलग अलग कैसे करेंगे। ओके, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि एक ही पॉइंट से इन्होंने यहाँ पे लिया है तो हम लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट है वो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इनर लूप सॉल्व करने से हमें कैसे मिलेगा, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक है तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 + g(s) × h(s). ओके, यहाँ पे अभी यूनिटी फीडबैक नहीं है तो हमें एच ऑफ एस का वैल्यू है वो कंसिडर करना पड़ेगा, यह है एच ऑफ एस और यह है जी ऑफ एस, जी ऑफ एस यानी कि फॉरवर्ड गेन। तो ये सॉल्व करने से हमें ऐसा मिलेगा 1 / s (s+1) / 1 + g(s) का वैल्यू कितना है 1 / s (s+1) और एच ऑफ एस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा s, तो इससे s और s कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 / s(s+1) / s+1) / s+1। ओके, तो ये s+1 और ये s+1 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें डिनोमिनेटर में मिलेगा 1 / s(s+1) / 1 यानी कि s+2 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया इनर लूप का फॉर्मूला। तो ये अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा कुछ s(s+2). अभी ये जी ऑफ एस की तरह वर्क करेगा और अभी यहाँ पे जो सेकेंड लूप है आउटर लूप, इसका जो फीडबैक रहेगा ये हो जाएगा यूनिटी। ओके, बहुत ही आसान सा है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी होगा, लेकिन अगर कुछ भूल गए होंगे तो चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके। ओके, ये हो जाएगा सी ऑफ एस, ये हो जाएगा आर ऑफ एस, ये हो जाएगा माइनस। इससे हम लोग वापस से सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 + g(s). अभी एच ऑफ एस का वैल्यू यूनिटी है तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 / s(s+2) / 1 / s(s+2). ओके, तो यहाँ पे बेस है वो कॉमन हो जाएगा तो हम लोग, मैं डायरेक्टली वैल्यू है वो लिख दूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा s² + 2s + 1। तो ये जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 / s² + 2s + 1। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है ये
करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो निगेटिव फीडबैक है वहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू है वो कंसिडर करना है। ओके, जो निगेटिव फीडबैक है दोनों जगह पे, इसलिए हम लोगों ने जो पॉजिटिव वैल्यू है वो दोनों जगह पे कंसिडर किया है। अगर पॉजिटिव फीडबैक हुआ तो वहाँ पे 1 - GH आता है। ओके, ये लिख लेना अगर आपको पता नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज अ GH इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय एस इनटू द ब्रैकेट एस प्लस 1। द स्टेडी स्टेट एरर इन द आउटपुट रिस्पॉन्स फॉर अ यूनिट स्टेप इनपुट इज। हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ट है वो देखा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या दिया है, यूनिट स्टेप इनपुट से रिलेटेड यहाँ पे उन्होंने पूछा है। यूनिट स्टेप यानी कि सिर्फ हम लोग फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो देखेंगे। जैसे मैंने कहा था टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम आपको डायरेक्टली देखना है, तो मैंने कहा भी था कि टाइप 1 सिस्टम मतलब यहाँ पे ओरिजिन पे जो हमें पोल है वो मिलेगा। तो यानी कि एस इज इक्वल टू 0 पे हमें जो पोल है वो मिलेगा, यानी कि ये कौन से टाइप का सिस्टम है, तो ये टाइप 1 सिस्टम हम लोगों को दिया है क्योंकि ओरिजिन पे एक पोल है वो एग्जिस्ट करेगा। तो स्टेप इनपुट और यहाँ पे दिया है इन्होंने टाइप 1, यानी कि हमें जो स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज GH। द सिस्टम इज अनस्टेबल फॉर, तो अभी हम लोगों को यहाँ पे अनस्टेबल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग सेम ओपन लूप से क्लोज लूप में कन्वर्ट करेंगे और इसको राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया से फाइंड आउट करेंगे कि के का वैल्यू हम लोगों को लेस देन 0 कहाँ पे मिल रहेंगे। साइन चेंज जहाँ पे होता है राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में, हम लोगों को पता है वहाँ पे जो जितने नंबर ऑफ पोल्स रहेंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन, उतने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हमें राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के फर्स्ट कॉलम में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो फाइंड आउट करेंगे। तो जगह क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GH डिवाइडेड बाय 1 + GH HF। HF मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि यूनिटी ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसका वैल्यू हम लोगों को अभी डायरेक्टली लिखूंगा मैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा K(S+1) डिवाइडेड बाय S(S-1) S+6 K(S+1)। ओके, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा कुछ वैल्यू मिलेगा K(S+1) डिवाइडेड बाय S³, बाद में ये हो जाएगा 6 और -1 तो ये हो जाएगा +5² उसके बाद हो जाएगा -6S+KS+K। ओके, ये हो जाएगा K(S+1) डिवाइडेड बाय S³ + 5S² प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे K -6S+K। तो अभी जो ये हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला है इसे हम लोग राउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा S³ (S^2). ओके, हम लोग करेंगे 1 उसके बाद 5 K-6 डिनोमिनेटर मिलेगा यहाँ पे K। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें यहाँ पे मिलेगा 5 × K-6 - K डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे ये होगा S^1 और S^0 में हमें मिलेगा यहाँ पे की। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ पे जाने वक्त यहाँ पे निगेटिव मिलेगा तब ये हो जाएगा अनस्टेबल क्योंकि हमें यहाँ पे साइन चेंज है वो मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे साइन चेंज होने के लिए इसका वैल्यू लेस देन द 0 होना चाहिए, यानी कि 5K-6 - K/5 शुड बी लेस देन 0। तो ये हो जाएगा 5K-30 - K शुड बी लेस देन 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4K should be less than 30, यानी कि K should be less than 7.5। तो अगर हमें K का वैल्यू 7.5 से कम रखा तो वहाँ पे जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम हैज अ डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.4। द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एग्जिबिट्स अ पीक रेजोनेंस ऑफ। ओके, तो हमें यहाँ पे पीक रेजोनेंस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ओके, पीक ओवरशूट का वैल्यू है वो फाइंड आउट नहीं करना है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट है वो पीक ओवरशूट फाइंड आउट करेंगे। तो पीक रेजोनेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है MP = 1/2 √1 - ζ². ओके, तो जीटा का वैल्यू हम लोगों को दिया है 0.4, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करोगे ये हो जाएगा 2 √1 - ζ². अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.36। ओके, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है, ये होता है %MP, इसका वैल्यू होता है E^(π(ζ)/√1 - ζ². ओके, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज मत कर देना, ये अलग होता है। ओके, ये मैक्सिमम परसेंटेज पीक ओवरशूट के लिए हम लोग यूज करते हैं और ये होता है पीक रेजोनेंस के लिए।
ओके, पीक रेजोनेंस का कैरेक्टरिस्टिक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम पीक है वो हम लोगों को यहाँ पे मिलता है, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एम ऑफ ओमेगा। ओके, और यहाँ पे हमें वैल्यू है वो 1 दिखाई देता है, ठीक है, ये हो जाएगा ओमेगा। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें जो पीक वैल्यू है वो यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे कितना पीक मिलेगा उसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पूछा गया था। तो आज के लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपने देखा ही होगा बहुत सारे क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, एक्चुअली कंट्रोल सिस्टम टॉपिक ही या फिर पूरा सब्जेक्ट ही बहुत ही आसान है, इससे ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते, बहुत ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, बहुत ही कम जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन हम लोग कोई भी जो टॉपिक है फिर कोई भी सब्जेक्ट है वो इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसलिए सारी चीज़ें हम लोग कवर करके देंगे, क्योंकि हम लोगों को रिस्क नहीं लेने का है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन के साथ। We'll be right back.